नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तकनीक के बारे में जो भारतीय रेलवे को और सुरक्षित बनाने जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कवच प्रणाली की। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर साल कितने ट्रेन हादसे होते हैं? ये हादसे न सिर्फ जानमाल का नुकसान करते हैं बल्कि भारतीय रेलवे के प्रति यात्रियों के विश्वास को भी कमजोर करते हैं। लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकल चुका है। भारतीय रेलवे ने एक स्वदेशी तकनीक विकसित की है जिसका नाम है कवच। कवच सिस्टम कैसे काम करता है? ये सिस्टम ट्रेन में लगे हुए सेंसर और ट्रैक पर लगे हुए ट्रांसपॉन्डर के जरिए काम करता है। ये सेंसर और ट्रांसपॉन्डर एक दूसरे से संचार करते हैं और ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं। अगर दो ट्रेनें एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं, तो ये सिस्टम तुरंत अलर्ट जारी करता है और ट्रेन को रोक देता है। कवच प्रणाली को सबसे पहले पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर से बस्ती के बीच लगाया जा रहा है। इस रूट पर यात्रियों की भीड़ सबसे ज्यादा होती है और इसलिए यहां हादसे का खतरा भी ज्यादा होता है। रेलवे का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2025 तक लखनऊ से छपरा के बीच इस सिस्टम को लागू कर दिया जाए। कवच प्रणाली में ऑटो ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम भी लगाया जा रहा है। जगतबेला से चुरेब तक ऑटो ब्लॉक सिग्नल सिस्टम लग चुका है। चुरेब से बस्ती के बीच काम चल रहा है। इस सिस्टम की मदद से एक ही ट्रैक पर 3 मिनट के अंतराल पर आगे पीछे ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। कवच प्रणाली के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इस पर करीब 467 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों, कवच प्रणाली भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि है। ये प्रणाली न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी बल्कि रेलवे की दक्षता को भी बढ़ाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियो मिलते रहें।